सो हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री राधा रमन। क्या हाल चाल, सब बढ़िया। कल हमने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया था सत्तू वर्सेस वे प्रोटीन का। उसमें मैंने आपको बताया था कि सत्तू और वे प्रोटीन को आपस में कंपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और सत्तू के अपने क्या बेनिफिट होते हैं, वे प्रोटीन के अपने क्या बेनिफिट है, और हमको फैट लॉस करने के लिए, मसल गेन करने के लिए सत्तू पीना चाहिए या वे प्रोटीन लेना चाहिए। तो अगर आप में से किसी ने वो वीडियो देखा है तो काफी अच्छी बात है, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके पिछला प्रीवियस वीडियो देखो, और आपके जो डाउट है वो मैंने पूरे क्लियर करने की कोशिश करी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है उसके रिगार्डिंग, तो आप मेरे से कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। तो उस वीडियो के नीचे किसी भाई का, हमारे का कॉमेंट आया था, वो कॉमेंट क्या है वो कुछ पूछना चाहते हैं, वो कॉमेंट आपके सामने है। किसी को वेट गेन करना है एंड बल्किंग करनी है तो उसको कार्ब ज्यादा चाहिए होंगे या प्रोटीन? तो आज अपन बात करेंगे बल्किंग की, वेट गेन की। इसमें अपने को कार्ब्स की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए होती है या फिर प्रोटीन की क्वांटिटी? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भाई का डाउट पूरा क्लियर कर सकूं और आपका भी अपनी पूरी नॉलेज के हिसाब से, ठीक है। तो बात करते हैं बल्किंग की। अगर आप लोग बल्किंग करना चाहते हो तो पहले आपको ये जानना जरूरी है कि बल्किंग कॉन्सेप्ट आया कहां से, बल्किंग होता क्या है, बल्किंग करने से क्या होता है। भाई जो आजकल बल्किंग बल्किंग चल रहा है, जो आजकल के स्पेशली बिगिनर सोच रहे हैं कि मैं बल्किंग करूंगा तो मेरा मसल बड़ा हो जाएगा, मैं बल्किंग करूंगा तो मेरी बॉडी जो ब्रॉड हो जाएगी, काफी सुनने को मिल रहा है ना आपको। चलो बताता हूँ बल्किंग क्या होता है। देखो फॉर एग्जांपल, ओल्ड स्कूल के टाइम पे जो बॉडी बिल्डर्स हुआ करते थे, उनका जब कंपटीशन आता था, कंपटीशन लड़ने के बाद सीजन ऑफ में, देखो सीजन ऑन कब होता है, जब कंपटीशन आने वाला होता है, और जब कंपटीशन चला जाता है तो सीजन ऑफ हो जाता है। तो सीजन ऑफ के टाइम पे वो अपना जो मसल है वो गेन करते थे। वो मसल गेन कैसे करते थे? कैलोरी सरप्लस करके और ओवर ईटिंग करके, एक्सेस में खाकर। और उसमें कुछ कुछ बॉडी बिल्डर्स का जो है वो पेट बाहर निकलने लगा। जब पेट बाहर निकलने लगा तो कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि भैया आपका पेट बाहर क्यों निकल रहा है? तो उन्होंने बोला कि हम बल्किंग कर रहे हैं। इसे बल्किंग करना नहीं कहते, इसे पेट निकलना कहते हैं, इसे मोटापा कहते हैं। तो यहां से जो है बल्किंग वर्ड सामने आया। देखिए बल्किंग दो तरह की होती है। बल्किंग एक होती है पागल वाली बल्किंग करना, मतलब एक्सेस में खाना, ओवर ईटिंग करना, कुछ भी सामने आ जाए उसे खा लेना, और ये मत देखना कि उसमें गुड फैट है, गुड कार्ब्स है, बैड कार्ब्स है, कुछ नहीं, बस ओवर ईटिंग करना, उसको एक्सेस में खाना, और ये सोचना कि मैं तो बल्किंग कर रहा हूं और कुछ भी खाऊंगा वो मेरा मसल बन जाएगा। इसे बोलते हैं पागलों वाली बल्किंग करना। जिसको नॉलेज नहीं होती, जो बिगनर होते हैं, कुछ आजकल की ऐसी हरकतें करते हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता। ये होती है एक बल्किंग। बल्किंग दो तरह की होती है। बल्किंग ये वाली जो मैंने आपको बताई है, कि अब आती है बल्किंग दूसरी, जिसे कहते हैं सेंसिबल तरीके से बल्किंग करना, जिसमें आपको पता होता है कि आपको कितनी कैलोरीज खानी है, कितना प्रोटीन लेना है, कितना कार्ब्स लेना है, कितने ग्राम फैट लेना है, और कितना आपको फाइबर लेना है। इस हिसाब से आप एक अपना डाइट प्लान करते हो और आपको पता होता है कि आपको क्या क्या खाना है, गुड कार्ब्स किस में है, बैड कार्ब्स किस में है, बैड फैट किस में है, और गुड फैट किस में है, कितना आपको प्रोटीन आपको चाहिए क्वांटिटी में, और आपको पता होता है कि ये जो चीजें हैं मेरे को नहीं खानी, स्पेशली पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, जिस जो काफी ऑयली होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल काफी हाई होता है, इसमें बिल्कुल बैड कार्ब्स होते हैं। तो इनको पता होता है, जिसे कहते हैं सेंसिबल तरीके से बल्किंग करना, जो कि काफी बॉडी बिल्डर्स करते भी हैं आज के टाइम पे। देखिए ये कटिंग और बल्किंग ऐसे टर्म्स है, एक ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसका हमारे बॉडी बिल्डिंग लाइन में, जिसका हमारे मसल बिल्डिंग के टाइम पे काफी अलग तरीके से यूज होता है, लेकिन लोगों ने अपने माइंड में इसके बारे में अलग ही कॉन्सेप्ट सोच लिए हैं। एक क्लाइंट मेरे पास आया, आज से 2-2.5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, एक क्लाइंट मेरे पास आया था, उसकी काफी अलग ही हालत हो रखी थी, पेट बाहर था। तो मैंने पूछा कि ये क्या हाल बना रखा है, कह रहा मैं बल्किंग पे चल रहा हूँ। मैंने कहा तू कटिंग करना भूल गया है या तेरा बल्किंग करने का तरीका ही अलग है, ये कौन सी बल्किंग होती है? देखिए पेट निकलने को बल्किंग करना नहीं कहते, इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए। ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले फेमस होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन आज के टाइम पे इवेंचुअली काफी लोग समझ चुके हैं, लेकिन कुछ बिगिनर्स के दिमाग में ये सवाल आता है कि हम बल्किंग कैसे करें। उनको लगता है कि एक्सेस में खाना चाहे कुछ भी हो उसको बल्किंग करना कहते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर आप सेंसिबल तरीके से बल्किंग करना चाहते हो तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको इतना जल्दी वेट गेन नहीं करना। आप जितना जल्दी वेट गेन करोगे उतना आप बॉडी में ज्यादा फैट गेन करोगे। आप जितना आराम से वेट गेन करोगे उतना आपकी बॉडी में फैट कम गेन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हफ्ते में 500 से 700-800 ग्राम गेन कर रहे हो तो आप सही बल्किंग कर रहे हो। अगर आपका वेट हफ्ते में 2-3 किलो गेन हो रहा है तो आप गलत बल्किंग कर रहे हो। कुछ लोग सोचते हैं कि जितना जल्दी ज्यादा खाएंगे उतना बल्क होगा, उतना वेट गेन होगा और हमारा मसल हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता। जितना आराम से गेन करोगे उतना फैट कम गेन होगा। बल्किंग में फैट गेन होता ही होता है, इसके बिना आप बल्किंग नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारे ऊपर होता है कि हम कितना फैट गेन कर सकते हैं। आपको जितना आराम से करोगे उतना कम फैट गेन होगा। जितना ज्यादा खाओगे, इतना जल्दी 2-3 किलो हफ्ते में वेट गेन करोगे तो ज्यादा फैट गेन होगा। तो आपको करना कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है 2000, उसमें आपको 300-500 कैलोरीज प्लस करनी है, अभी 300-500, तो आपको वो करने के बाद देखना है कि आपका जो वर्कआउट है उसमें स्ट्रेंथ सही चल रही है और आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, आपका जो फैट ज्यादा जल्दी गेन तो नहीं, और आपको ये सब ऑब्जर्व करना है।
ऑब्जर्व करने के बाद अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है, स्ट्रेंथ सही चल रही है, हमारा वर्कआउट शेड्यूल सही चल रहा है, उसमें जो स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज भी हो रही है और मसल मास भी थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, आपको फैट गेन बिल्कुल नहीं हो रहा, तो आप उससे आगे बढ़िए। 300 से 500 का था उसमें फिर 200 प्लस करी, ऐसे होता है। तो अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन की। आपका क्वेश्चन ये था कि आपको वेट गेन के टाइम पे, बल्किंग के टाइम पे कार्ब्स की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए या फिर प्रोटीन की। वेट गेन आपका हो ही जाएगा जब मसल मास इंक्रीज होगा, बल्किंग करोगे तो वेट गेन अपने आप ही हो जाएगा। बात करते हैं कार्ब्स की या प्रोटीन की। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पूरे दिन में 100 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो तो बल्किंग के टाइम पे आपको कार्ब्स डबल लेने होते हैं प्रोटीन के। अगर आप 100 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो तो आपको प्रोटीन कार्ब्स के डबल चाहिए, 200 ग्राम कार्ब्स चाहिए। फैट लॉस के टाइम पे क्या होता है, सबसे हाई वे प्रोटीन होता है, फिर उससे नीचे कार्ब्स होते हैं, फिर उसके नीचे फैट होता है। इसमें क्या करना है, सबसे ऊपर बल्किंग के टाइम पे कार्ब्स, फिर प्रोटीन, उससे थोड़ा सा कम, 100 ग्राम फॉर एग्जांपल दे रहा हूं आपको, 200 ग्राम कार्ब्स, 100 ग्राम प्रोटीन और फैट होगा 50 ग्राम, ऐसे चलेगी रेशियो। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। आई होप जो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है आपको समझ आया होगा कि बल्किंग के टाइम पे हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली एक्सेस में ओवर ईटिंग नहीं करनी, जिसमें गुड कार्ब्स होता है वही ही खाना है, बैड कार्ब्स नहीं खाना, जैसे बर्गर, पिज्जे, फ्रेंच फ्राइज, जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल काफी हाई होता है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई और क्वेश्चन है मेरे से पूछ सकते हो, और एक प्यारा से कमेंट कर देना नीचे, राधे राधे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और रात के अभी टाइम पता है कितना हो रहा है, ये देखो 1:04, ये देखो 1:04, और मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो भाई ये हमारे लिए मेरा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और लोगों को, अपने फिटनेस फ्रीक दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, एंजॉय योर लाइफ एंड जिम जाओ, बॉडी बनाओ। अब मेरी बॉडी तो कम हो गई यार, पहले था जो टाइम था, आज से 1 साल पहले की बात है, मतलब मैं उस टाइम इस फील्ड में था, आज से 1-1.5 साल पुरानी ही बात है। उस टाइम लीन स्टडीड बल्क सब करके छोड़ दिया, बस मैं लोगों को सिखाता था, पर्सनल ट्रेनिंग देता था, लेकिन अब तो काफी पीछे छूट गया ये सब। तो चलो कोई ना, दोबारा स्टार्ट कर लेंगे, कुछ नहीं। तो भैया राधे राधे भैया, गुड नाइट, एंजॉय योर लाइफ।